हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए जुगाड़ लेकर आए हैं। जैसे अब दीपावली शुरू होने वाली, सफाई सभी अपने घरों में करते हैं, तो आप देख रहे हैं पंखे वगैरह कितने गंदे हो जाते हैं। गर्मी में पंखे चलते थे, इसमें डस्ट फूस के चिपक जाते हैं हवा से, बहुत ही गंदा देखिए पंखा हो चुका है हमारा। हम इसको साफ करेंगे बिना स्टूल के, बिना सीढ़ी के, तो बिना देसी जुगाड़ से हम नीचे खड़े खड़े इसको साफ करने वाले हैं। अब इसके लिए कुछ देसी जुगाड़ लगाते हैं। तो पहले हम ये हैंगर ले लेते हैं। ये बहुत पुराना हैंगर पड़ा था जो जंग आ चुकी, इसको काफी पुराना था, कुछ काम का नहीं था ये, तो इसको हम ले लिया है। पहले देखिए इतना मोटा हैंगर आता था, इसका तार काफी मोटा है, तो इसको हमको ये नीचे का नक्कू है इसको सीधा करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लास की मदद से सीधा करेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा है तो हाथ से होना नहीं है। तो इसको थोड़ा प्लास से हम सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। थोड़ी सावधानी से करें क्योंकि हाथ में लगे नहीं। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया तार। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ये वाइपर का पुराना डंडा पड़ा है, टूटा हुआ वाइपर टूट गया था, डंडा हमने इसका रख लिया था। इस डंडे से इसको बांध देंगे। आप चाहे तो इसको इसे लगा करके अंदर डाल दें, या फिर आप क्या करिए इसको ऐसे पास रख के इस पर टेप चिपका दीजिए, जिससे कि मजबूत अच्छे चिपक जाए टेप से। तो हमारे टेप से डंडे पहले चिपकी हुई है, तो मैं इसी के अंदर इसको डाल देती हूँ। इस तरह से ऊपर से हम इसको और मजबूत करने के लिए ऊपर से कोई रस्सी या नाड़ा जो होता है ना, पड़ा होता है कोई पुराना सलवार वगैरह का नाड़ा, पेटीकोट वगैरह कोई भी नाड़ा पड़ा होता है, घर में कोई रस्सी हो उसी से आप इसको टाइट कस के बांध दें। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से बांध दिया है और ये बहुत ही अच्छा मजबूत हो चुका है, अब बिल्कुल हल नहीं रहा है ये देखिए इस तरह से। तो हमने इसको तैयार कर लिया है, ये हमारे पकड़ने के लिए स्टैंड हो गया है। अब ये हमारे पास फोम पड़ा था, पुराना फोम पड़ा था हमारे पास, तो मैंने इसको ही काम में ले लिया है। उस पुराने फोम को मैंने फेंका नहीं था, इसको रख लिया था, इसको मैंने लंबा दो पीस में काट लिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लगा करके इसके और इसको दबाते हुए और इसको दोनों साइड से इसके दोनों सिरे को दबा के इकट्ठा करके और इसको रस्सी की सहायता से या कोई भी नाड़ा जो इसकी रस्सी की मदद से हम इसको बांध देंगे। अगर आपके पास ना ये फॉर्म नहीं हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, घरेलू जुगाड़ और भी, जैसे पुराना कोई टॉवल अगर फटा हुआ हो घर में जिसपे रुएं निकले हो और फट गया हो, कोई काम का नहीं हो, तो उसको भी आप इस पे ऐसे फोम की जगह उसको लपेट सकते हैं। हम इसको फोम की रस्सी की सहायता से इस तरह से इसको बांध लेते हैं। ये हमने बांध लिया अच्छे से इसको, अभी इसका एक्स्ट्रा जो सिरा है उसको कट कर लेते हैं। अगर आपके पास हैंगर भी ना हो तो आप कोई बिस्लेरी के पुराने के बोतल पड़ी हो तो उसको बीच में से कट करके और बीच में से दोनों साइड से इसको रस्सी से उसको भी बांध के, जो कपड़े होता है मोटा कपड़ा उससे बांध के ऐसे इस तरह से हैंगर की तरह बिस्लेरी की बोतल को बांध सकते हैं। तो मेरे पास अभी बिस्लेरी नहीं थी, मैंने हैंगर से ही कर लिया था, क्योंकि पुराना हैंगर पड़ा था जो काम का नहीं था। अब दूसरा वाला फोम का जो टुकड़ा बचा हुआ है उसको भी इस तरह से रख के नीचे वाले भाग है इसके ऊपर इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इससे को भी रस्सी की सहायता से बांध लेंगे। इसको भी हम इस तरह टाइट बांध देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से इस तरह से बांध दिया है। तो ये हमारा देसी जुगाड़ तैयार हो रहा है, जिसपे हम बिना स्टूल पे चढ़े, बिना ही कोई सीढ़ी पे चढ़े, बिना नीचे खड़े खड़े फर्श पे ही पंखे को साफ कर सकते हैं। जब भी आप एक दो महीने में मन करे, आप तुरंत जब आपको लगे पंखा गंदा है तो आप इसको इस तरह से नीचे खड़े खड़े तुरंत साफ कर सकते हैं। ये जुगाड़ बना के रख सकते हैं, ये जुगाड़ अब इस तरह से देखो मैंने इसको बांध लिया है, अब बीच में जगह खाली है, इसमें इसको क्या करेंगे साफ करेंगे इस तरह से। तो पंखे की पंखुड़ी इसके अंदर ऐसे डाल के और इसको रगड़ेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो वॉट डस्ट होगी इसके ऊपर सारी इसके ऊपर पहले चिपक के आ जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हो मट्टी उड़ रही है इसके, ऐसे दिख रही होगी आपको शायद। इस तरह से मैं इसको पहले पूरी जो मोटी मोटी डस्ट चिपकी हुई वो हटा लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, देखिए कितनी डस्ट इसके ऊपर जो किनारियों पर जो चिपक जाती है, पंखा जब चलता है तो किनारे पे बहुत पूछ के चिपक जाते हैं मिट्टी के साथ। ये देखिए ये कितने आपको दिख रहे होंगे, कितने सारे निकले हैं। इस तरह से आप पहले मोटा मोटा डस्ट हटा लीजिए, आपको नीचे फर्श पे डाल के दिखाती हूँ मैं, देखिए कितने सारे हैं। ये झाड़ू से मैं आपको इकट्ठा करती हूँ, बहुत मिट्टी भी निकली है साथ में। ये काफी टाइम से पंखा मैंने साफ नहीं किया था, जब ज्यादा पंखा चलता है तो जल्दी गंदा होता है, तो आप जल्दी जल्दी इसको महीने महीने में कर सकते हैं। तो आप देखिए ये पास से देखिए कितनी डस्ट मिट्टी निकली है। अब क्या करेंगे, ये हमारा गंदा हो गया तो पहले इसको थोड़ा सा धो लेते हैं।
मिट्टी जिसके अंदर घुस गई हो निकल जाए, उसको थोड़ा अच्छे धोके हाथ से दबाते हुए निचोड़ लेंगे इसको थोड़ा सा। आप कोई कपड़ा ले लीजिए मोटा तौलिया, जैसे रुए वाला तौलिया होता है ना जो खराब हो जाता है, उसको भी ले सकते हैं काम में। इस तरह से आप इसको गीला करके फिर पंखे को पोंछिए, जिससे जो बारीक बारीक मिट्टी चिपकी हुई है वो भी अच्छे से इसके साथ निकल जाएगी। इस तरह आप थोड़ी देर इसको रगड़िए, धीरे धीरे वो भी निकल जाएगी मिट्टी इसके, जो मोटी मोटी पहले निकल गई थी और बारीक जो बारीक होती है वो भी इसको गीला करके पोंछने से निकल जाती है। इस तरह आप इसको पोंछ सकते हैं। और भी अगर वैसे सूख जाएगा साफ करने के बाद, अगर नहीं सूखता तो आप वाइपर के ऊपर फिर कपड़ा लगा करके उसको दोबारा सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं। इस तरह से आप इस पंखे को साफ कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको इस पंखा साफ करने का जुगाड़ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब भी आप मन करे इस तरह से पोंछ सकते हैं। अभी गीला है, अभी इतना आप सूख जाएगा, नहीं तो आप सूखे कपड़े से इसको वाइपर पर लगा कर पोंछ सकते हैं। तो लीजिए हमारा पंखा साफ हो चुका है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।